व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम ऑफ कनाडा चैनल। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि मैंने जो 3 बार अपना आयल्स का अटैम्प्ट करा था वो क्यों किया था। इवन जब मेरा सेकेंड अटैम्प्ट में जो रिक्वायरमेंट था 6.5 बैंड नॉट लेस देन 6 ईच वो अचीव होने के बाद भी मैंने तीसरा आयल्स क्यों दिया। तो हियर इज़ द थिंग, इसकी जो मेरा फर्स्ट आयल्स था वो 2019 में हुआ था जनवरी में। मैंने लाइक 3 to 4 वीक्स का ऑफ लिया था तब भी ऑफिस से, एंड मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी अपनी साउथ एक्स में। दिल्ली में रहता हूँ ना मैं, तो साउथ दिल्ली में रहता हूँ, तो मैंने साउथ एक्स से कोचिंग अपनी ली थी और मैं तब परस्यू कर रहा था अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट PGDBA परस्यू कर रहा था अपना फ्रॉम सिम्बासिस। तो यार जो मेरे कुछ कज़न्स थे उन्होंने कहा कि यार इवेंचुअली तेरे को आना तो इधर ही है, एक बार डियर आयल्स दे दे क्योंकि इसकी वैलिडिटी भी 2 ईयर्स की होती है। तो जैसे ही तेरा प्रोग्राम जो भी है ख़त्म होगा तो सीधा अप्लाई कर देना। और मेरा लास्ट टाइम था शायद, ठीक है, हाँ लास्ट टाइम थर्ड टाइम था। तो फिर मैंने दिया यार बहुत जल्दी। एक्चुअली मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मतलब होता क्या है, क्या रहता है ना लिसनिंग विसनिंग का। जब पहले सुना तो यार लगा कि यार स्पीकिंग तो ठीक है, नॉर्मल इंटरव्यू होता होगा, रीडिंग में वो कुछ देते होंगे हमें रीड करना होता होगा, मेरे को ऐसा फील हुआ जब स्टार्टिंग में सुना था, जब मुझे पता नहीं था बिल्कुल भी। राइटिंग का भी थोड़ा वही था कि चल ठीक है वो लिखना होगा, ठीक है। लिसनिंग का भी मुझे आइडिया नहीं था। तो जैसे ही मैंने क्लासेस ली तो 2-3 बार मैं फैमिलियर हो गया उसका जो भी जैसे भी रहता था ना चार सेक्शन का। यार क्लासेस लेना वर्थ इट नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर जो क्लासेस ने मुझे 3-4 दिन में बताया यार सेम चीज़ सारी चीज़ यूट्यूब में है, सब कुछ है, ऑनलाइन इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, तो कर सकता है इंसान, बस कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा उसको, तो अचीव कर सकता है। तो मैंने तब दिया था, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई रीडिंग में। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं रीडिंग नहीं करता, तो यार नहीं है रीडिंग अच्छी, बहुत दिक्कत हुई थी। तो जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो सुबह 6-7 बजे टेक्स्ट आता है शायद IDB का, हाँ टेक्स्ट आया था फ़ोन पे, तो मेरी आँख खुली, मैंने देखा ओवरऑल बैंड 5.5, रीडिंग में थे 4.5, लिसनिंग में थे 5.5 एंड स्पीकिंग में थे 6.5, राइटिंग में थे 5 बैंड। तो मैंने कहा यार शिट मैन, ठीक है। तो उसके बाद मैं एक बार चोपड़ा एजेंसीज में गया था, जो जिन्होंने मेरे प्रोफाइल को देखते ही मना कर दिया था। तो मुझे बहुत ही डिमोटिवेशन फील हुई थी कि यार प्रोफाइल भी, जो कंसल्टेंट जो मेरा कज़न था वो उसके थ्रू ही गया था, तो मैं भी चोपड़ा में ही गया था नेहरू प्लेस में। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार डिस्टेंस लर्निंग का नहीं लेते, जो मेरा कज़न था उसका रेगुलर था तो इसलिए उन्होंने उसकी फ़ाइल ले ली थी, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैं बहुत डिमोटिवेट सा हो गया और मार्क्स भी वैसे कुछ थे नहीं, सेकेंड अटैम्प्ट करने का मन नहीं हुआ। तो फिर मैं जॉब भी चली रही थी, फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, उसके बाद फिर कोविड आ गया, ये हुआ वो हुआ। तो उसके बाद जो स्टोरी चेंज हुई कहाँ से हुई, ये नवंबर में ना, नवंबर 2020 में मैं ऐसे ऑनलाइन सर्च कर रहा था, मेरा डिग्री कंप्लीट हो गया था PGDBA का और वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो मैंने कंसल्टेंसी देखी, मैंने कहा एक बार ट्राई कर लेता हूँ क्या सिनेरियो है, ठीक है। तो मैंने कॉल करा उनको, तो उससे पूछा, उसने बोला कि नहीं सर ऐसा नहीं है, देर आर मैनी कॉलेजेस जो कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग को भी एक्सेप्ट करते हैं, द थिंग इज़ कि आपको क्राइटेरिया फुलफ़िल करना पड़ेगा, जैसे जो परसेंटेज हो गया जो भी है आपके आयल्स का स्कोर हो गया। तो उसके बाद उसने मुझे थोड़ा मोटिवेट करा, उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है यार एक और बार ट्राई कर लेते हैं। तो फिर मैंने फाइनली फेब में ऑफ लेके 1 मंथ का और मैंने अपनी स्टडी शुरू कर दी, और इस टाइम मैंने कोचिंग भी नहीं ली थी क्योंकि मुझे पता था प्रोसेस सारा, मटेरियल्स मैंने गैदर करे जो आयल्स के 14 बुक थे सबको प्रिंट आउट करा, हर दिन 2-2 रीडिंग किया, हर बस ये है कि यार चारों सेक्शन को कवर करके चल रहा था मैं, ठीक है। तो स्किप नहीं कर रहा था, कंसिस्टेंट था। और मैंने एक राइटिंग के इम्प्रूवमेंट के लिए एक यूट्यूब से कोई वो था उनको ज्वाइन करा था, कुछ 1200-1500 रुपये दे के वो इवेल्यूएट करते थे मेरा, तो उससे मेरे को बड़ी हेल्प मिली। तो ये सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट मेरा कैसा था वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि मेरा कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ। तो अब बता देता हूँ सेकंड थर्ड आयल्स देने का। जब मैं बुक कर रहा था तो मुझे बोला मेरे कज़न ने, जो मेरा एक और कज़न था उसके 777-8 आए थे और वो डायरेक्ट PR के लिए अप्लाई कर रहा है अभी, उसने बोला कि भाई तू 2 बार बुक कर ले,
अगर बाई चांस तेरा कभी एक में रह भी गया तो सेकंड अटेम्प्ट तो रहेगा। तो मैंने जो बिगेस्ट मिस्टेक करी है, दो बार का मतलब ये नहीं होता कि तुम बैक टू बैक बुक कर लो। एक बार मैं बुक कर चुका था, जो फर्स्ट मेरा आयल्स था वो था IDP के साथ, जो सेकेंड मैंने बुक किया था वो 20 फेब का बुक किया था, BC से, ब्रिटिश काउंसिल से बुक किया था। नहीं, 27th, हाँ 27 फेब का बुक किया था, BC का था वो। तो उसने मुझे बोला कि यार तू एक और बुक कर ले, चांस के ले रहा है। तो यार एक और बुक कर ले का मतलब ये था कि उसको पहले एग्ज़ाम दे के उसके उसका रिजल्ट देने के बाद अगर तेरे मार्क्स नहीं आए तब बुक कर ले। तो मैंने उसको कुछ और ही प्रिज्यूम कर लिया और मैंने 20 तारीख का, 20 फेब 2021 का IDP से भी बुक कर लिया, और 27th का BC से बुक कर लिया। तो क्या हुआ कि जो मेरा था बहुत ही नियर बाय हुआ दोनों का, दो दो दिन के गैप में मेरा स्पीकिंग का टेस्ट हुआ, 3 3 दिन के गैप में मेरा ये जो दूसरा रहता है राइटिंग रीडिंग ये सब हुआ। ठीक है, तो ये स्टोरी थी। मतलब अगर तुम्हें दो अटेम्प्ट्स करने तो ऐसे मेरी तरह मिस्टेक मत करना, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, क्योंकि यार तुम 2 दिन बाद ही दोबारा दूसरा टेस्ट दे रहे हो तो तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। वो मेरे दोनों उसमें मेरे आ गए थे बैंड, मेरा जो IDP में सेकंड अटेम्प्ट था उसमें बैंड ऐसे थे, लिसनिंग में 7 थे, राइटिंग एंड रीडिंग में 6 ईच थे, स्पीकिंग में 6.5 थे, एंड BC में मेरे स्पीकिंग में 7 आ गए थे एंड 6.5 मेरे लिसनिंग में थे एंड रीडिंग एंड राइटिंग में 6 ईच, वही था। और इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, जो बहुत लोग बोलते हैं IDP इज़ बेस्ट और BC किस में जाए, तो यार कुछ नहीं है ऐसा, सब में था मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं है। बस ये है कि जो मैंने फेस करा, फ्रैंकली बताऊँ, वो जो BC का स्पीकिंग का सेक्शन था ना उसमें इंडियन थी एंड IDP में थी फॉरेनर। बल्कि मेरा IDP का स्पीकिंग सेक्शन बहुत अच्छा गया था, सब कुछ सही था मेरा यार। उसके बाद IDP वाले में मेरे 6.5 आए और BC में 7 आ गए, और BC में ना उसने मेरी बैंड बजा दी थी, जो स्पीकिंग वाली बंदी थी जो इंडियन थी। कोई क्वेश्चन होता है ना, ये बॉटल है नीचे गिर गई, क्यों गिर गई भाई, हाथ से फिसल के गिर गई, कैसे फिसली, क्यों फिसली, फिसलने का रीज़न क्या था, नीचे जाके बॉटल टूटी कि नहीं टूटी, पानी बिखरा कि नहीं बिखरा, ऐसे भाई बैक टू बैक, भाई व्हेन हाउ, मतलब तुम एक होता है ना, मतलब तुम्हारी कैपेसिटी रहती है किसी क्वेश्चन का आंसर करने का। उसने ना वो मेरा ना फर्स्ट फेज से ही ब्रेक कर दिया था, इंट्रोडक्शन पार्ट से उसने मेरे को बड़ा डिमोटिवेट सा कर दिया। उसको देख के ना मैं गुस्सा सा आने लग रहा था, तो मेरा ऐसे ही जा रहा था। तो यार यही है, बाकी बस यही था यार, इतना कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों में। तुम अगर कंसिस्टेंट रहोगे स्पीकिंग में, अगर तुम क्यू कार्ड का खेल है, क्यू कार्ड में अगर तुम्हारा अच्छा गया, सारे पॉइंट्स कवर कर दिए तो ठीक है। जो स्पीकिंग का भी है मैं आपको अब आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगा कि स्पीकिंग में तुम्हें क्या करना चाहिए मिनिमम 6 बैंड लेने के लिए। अगर आप ये ट्रिक फॉलो करते हैं स्पीकिंग में तो 6 बैंड आपके कहीं पे भी नहीं गए। इवन अगर आप क्यू कार्ड में 1 मिनट ही बोलते हैं आउट ऑफ 2 मिनट्स, या फिर 1.5 मिनट बोलते हैं, कम बोलते हैं, तो भी आपको आपके पॉइंट इतने कटेंगे नहीं, आपको 6.5 ईजिली अचीव हो जाएंगे, 6.5 to 7 बैंड ईजिली अचीव हो जाएगा। तो यार ये थी मेरी स्टोरी 3 बार आयल्स देने की, जो मेरी स्टूपिडिटी की वजह से हुआ था। मैंने कुछ और समझ लिया बैक टू बैक आयल्स देने को, दो दो दिन के गैप में, लिटरली मैंने दो दो दिन के गैप में दिया यार। ऐसा था मतलब जैसे 20 को बुक कराया तो 18 को मेरा स्पीकिंग हुआ, फिर 23 को मेरा दोबारा स्पीकिंग हुआ, 20 को मेरा जो दूसरा होता है राइटिंग लिसनिंग जो भी रहता है उसका हुआ, फिर 27 को मेरा ऐसा हुआ। तो ये स्टोरी थी 3 बार आयल्स देने की, बाकी कुछ नहीं था। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इम्प्रूवमेंट्स कैसे करे थे, मैं जो राइटिंग एवेल्यूएशन था वो मैम का भी पूरा डिटेल दे दूंगा, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि क्लासेस मत लो, एवेल्यूएशन ही कराओ। यही बहुत मतलब यार 1200-1500 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट यार, 1200-1500 में अगर तुम्हारी राइटिंग सुधर रही है, तुम्हें कोई चीज़ सिखा रहा है, और यही चीज़ आप वहाँ जाओगे ना, वहाँ पर बहुत बच्चे रहते हैं वो इतना अटेंशन भी नहीं दे पाते हैं, एंड वो 10-10 हज़ार क्वेश्चन के ले लेते हैं। मटेरियल्स मैंने क्या क्या यूज़ करे थे प्रैक्टिस के लिए, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा जो जिनको 6.5 बैंड चाहिए ना। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना।